अज्ञा चक्र जागरण साधना में आज हम समझेंगे कि कौन से खान पान को इस्तेमाल में लेकर आना है अज्ञा चक्र पर जब हम प्रयोग कर रहे हैं। दोस्तों, अज्ञा चक्र की ये पूरी सीरीज चल रही है जिसमें ये तीसरा वीडियो है जिस पर हम समझेंगे क्या खाएं और क्या नहीं खाएं, क्या पिए, कैसे पिए और कब ना पिए। नमस्ते जी दोस्तों, मैं हूं धैर्यवान, आपका अपना हीलिंग मास्टर। दोस्तों, अज्ञा चक्र हमारे शरीर का, हमारी आत्मा का, हमारे आध्यात्मिक शरीर का सबसे प्रमुख चक्र है जिस पर हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। आज हम समझेंगे क्या खाएं। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, हर वो पदार्थ जो प्राकृतिक तौर पर अज्ञा चक्र के कलर से मैच करता हुआ है, यानी कि अज्ञा चक्र का रंग है बैगनी, तो बैगनी रंग का कौन कौन सा फल और सब्जी आप देख पाते हैं? जामुन, बैगन की कई तरह के नस्ल हो सकते हैं सब्जियों में, और कई तरह के ऐसे फूल हो सकते हैं जो सेवन तो नहीं किया जा सकता लेकिन उसकी खुशबू ग्रहण की जा सकती है। मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने ग्रहण करने की बात की है, सिर्फ चबाकर खाना ही खाना नहीं होता। आप किसी फॉर्म में से घर ग्रहण करते हैं तो सीधे आपके अज्ञा चक्र को जाकर के ही स्टिमुलेट करता है, टच करता है या सेंसेशन देता है। बेटा एक बात जानना, अज्ञा चक्र बैगनी रंग का नहीं है। अज्ञा चक्र से जो फ्रिक्वेंसी निकलती है वो फ्रिक्वेंसी बैगनी रंग की फ्रिक्वेंसी से मैच करती है, इसलिए गुरुओं ने पहले उसे बैगनी रंग में ही इमेजिन किया। अब हम आगे बढ़ते हैं। हर वो खाना जिसे आप पूरे प्रेम से खाएंगे भोज क्रिया का इस्तेमाल करते हुए। भोज क्रिया क्या है इस पर और कभी बहुत गहर चर्चा करेंगे, लेकिन अभी आप समझ लीजिए कि भोज क्रिया वो होती है जिसमें आपके सामने खाना होता है जिसे आप पहले प्रणाम करते हैं, गहरी सांस लेते हैं 10 बार, आप पूरी तरह से तन और मन से तैयार हो जाते हैं भोजन को ग्रहण करने के, और भोजन के हर टुकड़े के साथ, हर निवाले के साथ आप एक प्रार्थना को जोड़ देते हैं। तो अज्ञा चक्र के इस यात्रा में आप हर बार प्रार्थना करेंगे कि मेरी अज्ञा चक्र सक्रिय हो, मेरी अज्ञा चक्र सक्रिय हो, मेरी अज्ञा चक्र सक्रिय हो। भोजन आपके भूख से 60% या 70% ही ग्रहण करेंगे, बहुत अच्छे से चबाएंगे हर यौगिक क्रिया में। यही सिखाया गया कि भोजन को बहुत अच्छे से चबाया जाए, आपने हर निवाले को प्रेम से, शांति से, ध्यान लगा करके, उसके साथ जुड़ाव महसूस करके चबाया जाए। और इस बात की लिखित गारंटी है कि जितना खाना पहले खाया करते थे उससे कम ही खाएंगे, क्योंकि आपका पेट उतने खाने में भर जाएगा क्योंकि आप उसके साथ जुड़ाव महसूस कर चुके हैं, जुड़ चुके हैं। ऐसा कोई खाना नहीं खाएंगे जिसमें फ्लोराइड होता है। पैकेटेड फूड तो फिलहाल के लिए छोड़ ही दीजिए, जो भी फूड पैक होकर आपको मिल रहा है चाहे वो दूध ही क्यों ना हो छोड़ दीजिए। टूथपेस्ट में सबसे ज्यादा फ्लोराइड होता है क्योंकि टूथपेस्ट को बनाने की क्रिया में, उससे पेस्ट के फॉर्म में बनाने की क्रिया में फ्लोराइड यूज होता है, तो फ्लोराइड वाला कोई भी पदार्थ इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहां तक कि साबुन में भी वो होता है तो साबुन में इस्तेमाल नहीं करेंगे जिसमें फ्लोराइड है। कोशिश करें कि उपटन से नहाए, कोशिश करें कि मिट्टी से नहा लें, मुल्तानी मिट्टी से नहा लें, और टूथपेस्ट की जगह पे आप यूं ही जो सूखे दंत मंजन आते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। टूथपेस्ट की जगह पे आप नमक, हल्दी या कोयले का इस्तेमाल कर सकते हैं, दातून का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्योंकि ये यौगिक क्रिया है बेटा, ये चीज घर में रहकर कभी कराया ही नहीं गया। आज हम गृहस्थ हैं इसलिए हम घर पर रहकर ये कर रहे हैं, अदरवाइज ये चीज आपके आश्रमों में रहकर, गुरुओं के सानिध्य में रहकर करने वाली चीजें हैं जिसमें आप बड़ी बड़ी चीजों को आसानी से कर पाते हैं। अब ये छोटी छोटी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको बहुत भारी लगेगा आम जीवन में, क्योंकि आप ऐसे लोगों के आसपास घिरे हुए हो, सराउंडिंग में घिरे हुए जो कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, कुछ फिर जो कि आप अभी भी वही कर रहे हो। अब हम आते हैं पानी। पानी में भी फ्लोराइड होता है, तो वो जो मिनरल वाटर है, जो यूवी रेज वाला पानी है, जो घर में जो फिल्टर लगा होता है वैसा वाला पानी नहीं पिएंगे,
आप जमीन से निकला हुआ पानी मटकी में रखकर पिए या पंच धातु वाले कांसे के पात्र में रखकर पिए, पानी के साथ प्रार्थना करके पिए। मैं आपको एक बहुत ज्यादा सजेशन दूंगा कि आप एमेथिस्ट की बॉटल का इस्तेमाल करें। एक कोई भी कवा कांच की बॉटल लें, उसके नीचे एमेथिस्ट रख लें और फिर उसमें पानी भरें। एमेथिस्ट एक ऐसा क्रिस्टल है जो सीधे अब जो आपके आज्ञा चक्र के कलर का ही होता है, और एमेथिस्ट की ब्रेसलेट, एमेथिस्ट की माला का प्रयोग हम आज्ञा चक्र के स्टिमुलेशन के लिए ही करते हैं, स्टिमुलेशन के लिए करते हैं। और एमेथिस्ट से लगा हुआ पानी जब आप ग्रहण करते हैं तो उसके फ्लोराइड का जो असर है उसे वो खत्म कर देता है। बट फ्लोराइड करता क्या है? देखो, आज्ञा चक्र के को हम फिजिकल फॉर्म में मानते हैं, पाइनल ग्लैंड से रिलेट करते हैं। जो ग्रंथि होती है वो कैल्सिफाइड हो जाती है, उसमें कैल्शियम की परत चढ़ जाती है, जिससे उसके साथ सेंसेशन, जिस कोई भी चीज अगर आपके हाथों में भी कोई कैल्शियम से आपको घेर दिया जाए तो उसमें दिखना कम हो जाएगा। आंखों के सामने एक झिल्ली रख दी जाए तो आंखों से दिखना कम हो जाएगा। वैसे ही पाइनल ग्लैंड में कैल्शियम हो जाने से, कैल्सिफाइड हो जाने से, उससे आप देख कम पाते हैं, उससे आप सेंस कम कर। तो धीरे धीरे आप जब एमेथिस्ट का प्रयोग करते जाएंगे, उसके ब्रेसलेट पहनेंगे, गले में माला पहनेंगे, या किसी भी फॉर्म में एमेथिस्ट को जब आप प्रयोग करेंगे तो वो कैल्शियम धीरे धीरे कम होता जाएगा और आज्ञा चक्र में हमेशा सेंसेशन बना रहेगा। पानी जरूरी नहीं है ऐसा रेडीमेड बॉटल लेना, आप कांच के बॉटल में नीचे एमेथिस्ट की माला को रख करके या ब्रेसलेट को रख करके या पत्थरों को रख करके इस तरह से आप उसे चार्ज कर सकते हैं और उस पानी को आप पीजिए। एक और प्रयोग कर सकते हैं, कांच का बॉटल ले और उससे बैगनी रंग में पेंट कर दें, ग्लास पेंट आता है, आप उसे पेंट करके वो रखें, सनलाइट में चार्ज करें और पीजिए इसको। अगर आपके पास क्रिस्टल है तो उसे सनलाइट में चार्ज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप सिर्फ कलर पेंट कर रहे हैं तो सनलाइट में, मूनलाइट में चार्ज करके ही पीना। अगले 45 दिन जो आप आज्ञा चक्र पर प्रयोग कर रहे हैं उसमें गलती से भी गरिष्ट खाना नहीं खाएंगे, समोसे, बड़े, पिज्जा, बर्गर, ऐसा कोई भी खाना जो कि बहुत ज्यादा हैवी हो सकता है, बहुत ज्यादा पचाने में बहुत टाइम लगता है शरीर को, वैसा खाना नहीं खाएंगे। क्योंकि आपको प्राणों की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, वह प्राण जो सीधे आज्ञा चक्र को बार बार जाकर के छुएंगे। तो ये प्राण जो होते हैं, प्राण ऊर्जा जो होती है, आपके खाना पचाने में जितना देर समय व्यर्थ करेगी उतना ही समय आपको लगेगा आज्ञा चक्र को सक्रिय करने में। जो हम 45 दिनों के लिए कोशिश कर रहे हैं वो 45 दिन में नहीं बल्कि और लंबा समय लगेगा। तो बहुत ही सात्विक खाना खाएं, कम तेल, कम मसालों वाला खाना खाएं, ज्यादातर उबला हुआ खाना खाएं और जिंदा खाना खाएं, जैसे कि फल, सलाद, इस तरह की चीजें। कम खाने में आपका पेट भर जाएगा यदि आप आराम से, धीरे से चबाकर खाएंगे। आज्ञा चक्र पर खाने को लेकर के इतनी ही पाबंदियां हैं। योग कर रहे हैं तो योगी बनना पड़ेगा। योग इट्स नॉट काइंड आसना, मैं अभी आसन की बात कर ही नहीं रहा हूं, मैं योग की बात कर रहा हूं। योग मतलब जोड़ना अपने आप से, अपनी आत्मा को, अपनी आत्मा से अपने परमात्मा को और अपने शरीर से अपने आध्यात्मिक शरीर को। तो हम योग सीख रहे हैं। आज्ञा चक्र पर अभी बहुत सारी चर्चा बाकी है। ये पूरा सीरीज जो चल रहा है जिसमें हम आगे चलकर आज्ञा चक्र से जुड़े और कुछ प्रयोग बताएंगे, कुछ योग आसन भी बताएंगे जिसे करके आप आज्ञा चक्र को जल्दी से सक्रिय कर पाएंगे। आज्ञा चक्र पर प्रयोग होने के बाद उससे आप क्या क्या चीजें कर पाएंगे ये भी मैं सिखाऊंगा। तो ये पूरी क्लास है जो YouTube में फ्री में अवेलेबल है, तो इसे आप आराम से, पेशेंसफुली, बार बार सुनकर, नोट्स बनाकर रोज प्रयोग करें। आशा करता हूँ ये अध्याय आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, तब तक के लिए नमस्ते है जी।